पन्ना में गुस्साए किसानों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा एवं पवई विधायक मुर्दाबाद के नारे गांव में लगाए गए एवं किसानों द्वारा रैली निकालकर जमकर विरोध किया गया। जेके सीमेंट कंपनी को विकसित करने के लिए किसानों की जमीन जेके सीमेंट फैक्ट्री कंपनी द्वारा खरीदी जा रही है, लेकिन किसान बेचने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि किसानों को उचित मुआवजा न मिलने से किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। कंपनी द्वारा प्रशासन की मदद से किसानों को नोटिस थमाया जा रहा है एवं जबरदस्ती बेचने के लिए दबाव डलवाया जा रहा है। इसलिए समस्त किसान चाहते हैं कि पन्ना कलेक्टर को हटाया जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे और अपनी जमीन नहीं बेचेंगे, क्योंकि पन्ना कलेक्टर कंपनियों को कर्मचारियों से मिले हुए हैं और किसानों की एक भी बात नहीं मानते। उन्होंने कहा जी हमने दलालन के लिए 247 कायम की और इसमें कोई तुम्हें डरने की बात नहीं है, हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ रहेंगे, चौपाल लगाएंगे, तुम्हारे ग्राम में आएंगे। इसके बाद उनने 247 की कार्रवाई करके 358,000 लगभग की, हमें इतना तो ध्यान नहीं है, उनने चेक बना दिए 22 लोगों के। तो जब उनने चेक बना दिए, हम लोगों को मालूम नहीं, तो हम लोग कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे, वो तहसीलदार मैडम के पास इधर वे चेकें वितरण करती हैं, तो हम लोगों को ना चेकें स्वीकार हैं ना जमीन स्वीकार देना है, भी फ्री में ले लें तो हम लोग देंगे, ना तो अपनी आत्मदाह करेंगे अपने खेतों में। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन? तो भाई जमीन देने के लिए हम तैयार हैं, उचित मुआवजा दें, जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर वे जबरदस्ती करते हैं तो हम खेत में तानाशाही नहीं चलेगी और अपने आत्मदाह कर देंगे। और प्रशासन से जो निवेदन है कि जनता पार्टी का शासन हो या कांग्रेस का हो, किसान तो सबके हैं। जो जेके सीमेंट की ये तानाशाही है सभी को बेदर्द भी है, यहाँ से जिला प्रशासन को शासन को सब जानते हैं कि ये खेल क्या चल रहा है, लेकिन इसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जो देवरा में स्थित जेके सीमेंट कंपनी लग रही है और उसमें जो हमारा बोदा आता है और जो 7-8 गांव आते हैं, तो पहले अभी उन्होंने टारगेट बोदा को बना लिया है। बोदा की जो जमीन है ना, किसानों से उन्होंने कोई बात की है ना कुछ किया है, इसके पहले उन्होंने 1 माह पहले और नोटिस थमा दिए थे। तो हम उसी विषय में और कलेक्टर साहब के यहाँ पन्ना में सभी गांव वाले जिनको नोटिस थे सब वहाँ पन्ना गए थे ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री जी के नाम। तो कलेक्टर साहब ने और किसानों के साथ छल किया है, धोखा किया है, उन्होंने कह दिया था कि हम तुम्हारी 247 धारा हटा दी जाएगी, किसानों की जमीन नहीं हड़पी जाएगी और ऐसा आश्वासन दे दिया था। तो हम लोग वहाँ आके और घर में शांति से बैठ गए, हमको ये लगा था कि कलेक्टर साहब ने हमारा साथ दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब ने मिलकर और कंपनी वालों के साथ और ये जो किसानों के साथ छल किया है, इसमें शासन प्रशासन सभी लिप्त हैं और हमारे जो किसान बोदा के किसानों की जमीन है जबरदस्ती छुड़ा रहे हैं, हड़प रहे हैं, भूमि अधिग्रहण के तहत धमकी दी जा रही है। तो छोटे छोटे आज हमारे जो यहाँ के छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं और माताएं हैं, बहनें हैं, गाँव के सभी बुजुर्ग सभी की जमीन जा रही है, भाई किसान है, और यदि जमीन नहीं रहेगी तो इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्या खा लेंगे। तो क्या है कि आज सभी गांव वालों ने ये सोचा है कि जेके सीमेंट के खिलाफ जो ये तानाशाही जेके सीमेंट की चल रही है, और अभी क्या हुआ है कि जबरदस्ती चेकें थमा दी हैं कि तुम्हारी जमीन इतने की है और दस्तखत कर दो, इस प्रकार के हो रहे हैं, कहीं चौकीदार से तो कहीं पटवारी से कहीं वकील से इस प्रकार के, और कहीं चेकें दी जा रही हैं जबरदस्ती की, दस्तखत कर दो, कहीं कुछ कर दो, किसी ने कुछ किया नहीं है, हम जमीन नहीं देंगे। जब तक जेके सीमेंट हमारी जमीन का उचित मुआवजा नहीं देगी तब तक हम कोई जमीन नहीं देंगे, कोई किसान नहीं देंगे, हम सभी किसान एकता में है, एकजुट हैं। और यदि कुछ होता है, यदि जेके सीमेंट हमारी बात नहीं मानती है, शासन प्रशासन यदि हमारी बात नहीं मानती है, तो आगे चल के हम सभी 10 गांव के लोग और हम पन्ना से राम नरेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट।